हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉलेजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि एसएसबी की रिक्रूटमेंट की वेट कर रहे थे। जी हाँ, एसएसबी में जो आप लोग की कांस्टेबल ड्राइवर की और इसके अलावा जो ट्रेड्समैन है उनकी वैकेंसी निकलने वाली है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड कराई थी। वैकेंसी की जानकारी प्रोवाइड कराने के बाद जो है आप लोग की दो बार से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो इसकी वैकेंसी का कोई सर्कुलर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट परेशान हो गए थे और कुछ स्टूडेंट्स तो इस प्रकार से भी बोलने लगे कि आप लोग सर आपने फेक न्यूज दी है, ऐसा है वैसा है। लेकिन इस प्रकार के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही कम है, मीन्स 100 में दो ही स्टूडेंट इस प्रकार है। बाकी 98 स्टूडेंट जानते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की कोई फेक न्यूज नहीं देता हूं। जी हाँ, विभागीय काम है, इसमें टाइम लग जाता है, एक हफ्ते दो हफ्ते वन मंथ दो मंथ इस टाइप का इतना टाइम आप लोग को लग ही जाता है पूरा प्रोसेस करने में। लेकिन मैं आप लोग को रियल जानकारी देता हूं, वैकेंसी आई है, वैकेंसी आने वाली है, तो मींस आने वाली है। हो सकता है वन वीक डिले हो जाए, टू वीक वन मंथ तक डिले हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी की जानकारी मैं आप लोग को गलत दे रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इन्होंने जो आप लोग को इसकी जानकारी दे दी है, पहले दो एम्प्लॉयमेंट न्यूज से ये जानकारी नहीं दे रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एसएसबी में, तो इसके बारे में भी मैंने आप लोग को वीडियो बनाया था कि सितंबर तक आप लोग की वैकेंसी आएगी, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, तो आज इन्होंने दे दिया। आप लोग देखेंगे 29 अगस्त से 4 सितंबर। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा उससे 30 दिन जो है आप लोग का लास्ट डेट रहने वाली है। जी हाँ, तो यानी कि आज इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दे दिया है, तो इसके 30 दिन के बाद जो आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली है। अब इसके बाद ये देखना है कि इनके वेबसाइट पर कब अपडेट होता है, मीन्स आज नाइट में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कल मॉर्निंग से इवनिंग तक जो है आप लोग का कभी ना कभी ये अपडेट हो जाएगा। पूरी तरीके से मैं आप लोग को प्रोसेस की जानकारी देता रहूंगा कब इसका अपडेट हो रहा है, और इसके अलावा जो मेन नोटिफिकेशन जो है आप लोग का वेबसाइट पे ही अपलोड होगा जिसमें आप लोग को पूरी क्लियर जानकारी दी गई होगी। तो यहाँ पे आप लोग को जो है एम्प्लॉयमेंट नीड में इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है, मींस आज से 30 तारीख तक आप लोग की लास्ट डेट रहेगी सर्कुलर जारी करने का, इनका ये मतलब है एम्प्लॉयमेंट नीड में। आप लोग देखेंगे सहकत सीमा बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे स्केल वगैरह आप लोग को दी हुई है, इसकी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी यदि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा आप लोग उसे देख लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो आने वाले वीडियोज में भी आप लोग को मैं जानकारी दूंगा जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखिए। कांस्टेबल ड्राइवर की सबसे अच्छी वैकेंसी 574 वैकेंसी निकली हुई। जी हाँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की, वेटनरी की, आया की, कारपेंटर, प्लम्बर, पेटनर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मेल फीमेल 232-26, यानी कि बहुत ही अच्छी, सबसे ज्यादा वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी जो है ड्राइवर के बाद आप लोग की कुक की निकली हुई है। इसके अलावा वाशरमैन की है, बार बार सफाई वाला, वाटर कैरियर और वेटर की आप लोग की वैकेंसी है। सभी वैकेंसी अच्छी है, कुक की, सफाई वाला और ड्राइवर की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, वेटनरी की वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। तो वैकेंसी आप लोग की आ गई, मुझे बहुत ही संतोष है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आप लोग के लिए। इसके अलावा 10% वैकेंसी आप लोग के सर्विस मैन के रिजर्व है, और इसके अलावा आप लोग को एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए सबसे अच्छी एज है आप लोग की 21 से 27 साल एज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। हाई स्कूल पास है और आप लोग के पास एचएमबी लाइसेंस होना ही चाहिए। अब देखना यह है कि एचएमबी लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, यहाँ से 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, इसकी पूरी जानकारी आप लोग को वेबसाइट से ही मिलेगी। जी हाँ, वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन होगा उससे ही आप लोग को एचएमबी लाइसेंस की पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि कई डिपार्टमेंट जो है 2 साल पुराना भी मांगते हैं, 3 साल भी मांगते हैं, कोई कोई जो है आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट से पहले तक मांगते हैं। इसके अलावा आप लोग की लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल है, कांस्टेबल वेटनरी के लिए 18 से 25 साल है, कांस्टेबल आया के लिए 18 से 25 साल है, कारपेंटर, प्लम्बर और आप लोग की जो है पेंटर के लिए 18 से 25 साल एज है। सभी के लिए हाई स्कूल पास आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग को लेबोरेटरी असिस्टेंट है हाई स्कूल और आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेटनरी के लिए आप लोग हाई स्कूल पास होने चाहिए, लेकिन इन्होंने डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ। यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है ट्रेड टेस्ट में। कांस्टेबल आए के लिए आप लोग जो हाई स्कूल पास होने चाहिए और आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाई स्कूल पास होने चाहिए आप लोग, लेकिन 2 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं तो आप लोग के पास 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई नहीं है तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने जो है कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर का कोर्स कर रखा हो। जी हाँ, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर का कोर्स होता है तो कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं कर रखा तो आप लोगों ने 1 साल का कोर्स कर रखा हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है कांस्टेबल कुक की। कांस्टेबल कुक, वाशरमैन, बारबर, सफाई वाला, मींस अदर जितने भी ट्रेड्समैन है, इसमें आप लोग की एज थोड़ी सी कम है, 18 से 23 साल एज में आप सभी लोगों को रिलीफ मिलेगा। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का प्रॉफिट मिलेगा, जैसा कि आप लोगों को मिलता है जॉब में, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है।
इसमें भी आप लोग हाई स्कूल पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। और आप लोगों से एक्सपीरियंस लेटर तैयार करने के लिए मैंने इसी वजह से बोला था, जी हाँ, यदि मैं कंफर्म नहीं होता तो आप लोग को एक्सपीरियंस लेटर बनाने के लिए बोलता ही नहीं, ना ही किसी प्रकार के सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोलता, इस प्रकार का रिस्क मैं नहीं लेता। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए, नहीं है तो आप लोगों ने 2 ईयर का कोर्स कर रखा हो, आईटीआई से किया हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो 1 साल का कहीं डिप्लोमा मीन्स सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो और 1 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, बाकी की जानकारी आप लोग रिक्रूटमेंट वाले वीडियो से ले लीजिए, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी A to Z। आने वाले वीडियो में भी आप लोग को जानकारी दूंगा। इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट डेट आप लोग को बता दी गई, लास्ट डेट जो है 30 डेट फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। इन्होंने देखिए साफ साफ लिख दिया है कि 30 डेट, यानी कि आज जो है इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में से जारी कर दिया गया है, तो यानी कि 30 आप लोग मान के चलिए 28/9/2020, यानी कि 28 सितंबर 2020 आप लोग की इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से आते हैं आप लोग, सब डिवीजन वगैरह, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार से, तो आप लोग 37 दिन तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 7 दिन का आप लोग को फायदा मिलने वाला है। फीस आप लोग की लगने वाली है, यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 100 रुपए देने हैं। इसके अलावा एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, ऑनलाइन अप्लाई होंगे, इसका वीडियो मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। टेंशन की कोई जरूरत नहीं, आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। जी हाँ, जल्द से जल्द आप लोग का लिंक जो है एक्टिवेट होना चाहिए, हो जाएगा कल, पूरा दिन मैं आप लोग की वेबसाइट में ही रहूंगा SSB की। जी हाँ, हाउ टू अप्लाई में आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, जो कि SSBRecruitment.gov.in से ही आप लोग का अप्लाई होगा। तो टोटल आज का जो मेरा वीडियो था यही आप लोग को बताना था कि आप लोग का सर्कुलर जारी हो गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, मीन्स आज से आप लोग के 30 दिन काउंट होने लगे हैं। तो आप लोग का जो लिंक आज रात में नहीं तो कल मॉर्निंग में, नहीं तो कल इवनिंग तक आप लोग को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी विभाग को। जी हाँ, आप लोग का लिंक एक्टिवेट होगा, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इन्होंने जानकारी दे दी है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज से ही 30 दिन तक आप लोग की लास्ट डेट है। तो आज नाइट में भी हो सकता है या फिर कल मॉर्निंग या इवनिंग तक आप लोग का लिंक एक्टिवेट जरूर मिलेगा, उसमें आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। जो इनका अपना नोटिस होगा उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं, चाहे वो आप लोग का हेवी लाइसेंस हो, कुछ भी हो, पूरी जानकारी आप लोग को उनके नोटिफिकेशन से ही प्राप्त होगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है उसकी भी मैं वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा। जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग कोशिश यही करेंगे विद इन 1 वीक जो है आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, और इससे पहले यदि आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं है तो उस काम में आप लोग लग जाइए जो मैंने आप लोग को बताया है। HMB अभी बनाने से अब कोई फायदा आप लोग को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। HMB की जानकारी आप लोग को उनके नोटिफिकेशन से ही मिलेगा, 1 दिन आप लोग वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, अभी मैं बहुत खुश हूं, जो मैंने आप लोग को बताया वो बिल्कुल रियल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।